भारत के जिगरी दोस्त इसराइल ने एक ऐसा एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है जो सिर्फ $2 यानी करीब 160 रुपए में दुश्मनों के लाखों रुपए के मिसाइल को ध्वस्त कर देगा। इसराइल के प्रधानमंत्री ने बुधवार को लेजर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने और कामयाबी के साथ उसका परीक्षण करने का ऐलान किया है और कहा है कि सिर्फ $2 में ये एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के मिसाइल को ध्वस्त कर देगा। अपने हॉलीवुड की फिल्म स्टार वार्स में नई खोजों और अद्वितीय डिजाइनों को देखा होगा, लेकिन इजरायली वैज्ञानिकों ने अब स्टार वार्स जैसी लेजर बीम टेक्नोलॉजी से रॉकेट, मिसाइल, मोर्टार और ड्रोन को मार गिराने का कामयाब परीक्षण कर लिया है। इजरायल जो हर तरफ से दुश्मनों देशों से घिरा है, उसके लिए इस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर भी है, इसलिए क्योंकि भारत आने वाले दिनों में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। इसराइल वर्तमान में शूट डाउन सिस्टम पर भी निर्भर करता है। और इस वक्त इसराइल को एक मिसाइल को ध्वस्त करने में लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और हमास जैसे आतंकी संगठन इसराइल पर दनादन मिसाइल इसलिए भी ताकते हैं ताकि इसराइल को आर्थिक नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन अब इसराइल सिर्फ 160 रुपये में हमास के मिसाइल को इंटरसेप्ट करके ध्वस्त कर देगा। पिछले साल जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा था, उस वक्त इसराइल की आयरन डोम एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमास के रॉकेट और मिसाइल हमलों को नाकाम किया था, लेकिन अब इसराइल लेजर बीम जैसे आयरन बीम कहा गया है उसका उपयोग सुपर हीट और हवाई खतरों को ध्वस्त करने के लिए कर सकता है, वो भी महज 150 रुपये में। इसराइली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भविष्यवाणी की है कि इसे 2023 की शुरुआत में इसराइली सेना में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि यह एक गेम चेंजर है, न केवल इसलिए कि हम दुश्मन सेना पर हमला कर रहे हैं बल्कि इसलिए भी कि हम उन्हें दिवालिया कर देंगे। फिलिस्तीनी और लेबनानी सेनाओं ने पिछले युद्धों में इसराइल पर हजारों रॉकेट और मोर्टार बम लॉन्च किए हैं, जिसने हाल के वर्षों में उन्हें ड्रोन को भी इंटरसेप्ट किया है, जिन्हें ईरान समर्थित लड़ाकों द्वारा अपनी सीमाओं के पास से लॉन्च किया गया और उन्हें नाकाम करने में इसराइल को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ था। अप्रैल महीने में इजरायली सरकार ने आयरन बीम डिफेंस सिस्टम का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें आयरन बीम सिस्टम को एक आने वाले मानव रहित हवाई वाहन को निशाना बनाकर उसे मार गिराते हुए दिखाया गया। आयरन बीम ने UAV को हमला करने से पहले ही नष्ट कर दिया। इजरायली सरकार के मुताबिक इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण पिछले महीने नेगेव रेगिस्तान में किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।